हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेज ब्यूटी जोन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसा फेस पैक, होममेड फेस पैक है ये, जो कि आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा और जो है लटकती हुई स्किन उसको लिफ्ट अप करेगा। ओपन पोर्स, अगर गड्ढे हैं आपकी स्किन पे, ओपन पोर्स हैं बहुत ज्यादा, तो उनको टाइट करेगा, ठीक है, और स्किन आपकी स्मूथ होगी और साथ साथ में ग्लोइंग भी होगी। जब जब भी फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम मेरी स्किन पे आती है, मैच्योर स्किन है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी है। तो जो मैं जो होम रेमेडी हमेशा यूज करती हूँ, सालों से करती आ रही हूँ, क्योंकि कभी कभी जो रिंकल्स और फाइन लाइंस आपके वेट लॉस की वजह से आ जाते हैं, कभी कभी एजिंग साइंस जो है दिखने शुरू हो जाते हैं, आफ्टर 30 एजिंग साइंस जो है दिखने शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, तो हमेशा मैं ये जो फेस पैक है ये यूज करती हूँ इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऑनेस्ट रिव्यूज चाहिए प्रोडक्ट्स के, बिल्कुल ऑनेस्ट, और जो कि वो होम रेमेडीज चाहिए जो एक्चुअल में वर्क करती हैं, वो भी जो है मेरा एक दो दिन का एक्सपीरियंस नहीं होता, मेरा सालों का एक्सपीरियंस है। मेरी एज 44 है, जो कि मैं सालों से टीनेज से होम रेमेडीज यूज करती आ रही हूँ, वो ही मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ जो एक्चुअल में वर्क करती है। अगर आपको ऐसा चैनल देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको आगे से पहले सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच राइस पाउडर। राइस पाउडर आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, आराम से तैयार हो जाता है। राइस जो है उनको बारीक पीस लेना है। मेरे पास हमेशा कंटेनर में राइस पाउडर बना रहता है, जो कि मोस्टली मैं स्किन केयर और कुकिंग में भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो ये राइस पाउडर जो है ये आपकी स्किन को, यही आपके पोर्स जो है टाइट करेगा और स्किन को लिफ्ट भी करेगी ये जो राइस पाउडर है। और इसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच मिल्क पाउडर। मेरे पास ये बड़ा सा कंटेनर हमेशा मिल्क पाउडर का भरा रहता है, जो मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर होम रेमेडीज़ में यूज़ करती हूँ। ये नरिशमेंट देगा आपकी स्किन को, जो सॉफ्ट है, स्मूथ है, वो बनाएगा और साथ साथ में कम्प्लेक्शन पे भी वर्क करता है ये। और इसके बाद जो है एक चम्मच हम इसमें कर्ड का डालेंगे। ना ही हमने इसमें रोज़ वाटर डालना है, ना ही हमने इसमें जो है लेमन जूस डालना है, ये कर्ड ही डालना है, ताकि आपकी स्किन जो है नरिश्ड रहे और साथ साथ में कम्प्लेक्शन पे भी वर्क करे। क्योंकि जो राइस होते हैं वो आपकी स्किन को, राइस पाउडर जो है ड्राई करता है, ये जो है नरिशमेंट आपकी स्किन को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा फेस पैक बिल्कुल रेडी हो गया है। फेस पैक जो है फेस और नेक पे अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद आराम से बेड पे 15 से 20 मिनट तक जो है ड्राई होने तक रेस्ट करनी है। बैठना नहीं है, फ़ोन नहीं देखना है, आराम से लेट जाना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो पीछे को लिफ्ट अप हो जाए और टाइट करे जे फेस पैक आपकी स्किन को। ड्राई होने के बाद फेस पैक को पहले आराम से थोड़ा थोड़ा गीला करना है, फिर स्पॉन्ज या वेट टॉवल से क्लीन करना है, रगड़ के नहीं उतारना है बिल्कुल भी। उसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये फेस पैक हम डेली यूज़ कर सकते हैं। पिक जो है पहले क्लिक करके रख लीजिए, उसके बाद 1 मंथ डेली इस फेस पैक को यूज़ करिए और उसके बाद रिजल्ट आपको क्लियर दिखेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।